मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला का दौरा किया और इस दौरान में सीएम ने करीब 315 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं सीएम ने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के दौरे पर रहे। इस दौरान पंचकुला के लिए सीएम सैनी ने बड़ी सौगातों की झड़ी लगा दी। पंचकुला को 315 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सीएम ने सौगात दी है। सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास सीएम ने किया। इस विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज का निर्माण करीब 13.75 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है, जिसके निर्माण में 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास भी सीएम ने किया। 10 एकड़ में करीब 165 करोड़ रुपए की लागत से 3 वर्षों में इस संस्थान का निर्माण होगा। पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा भी सीएम नायब सिंह सैनी ने की। मेरे लिए ये बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और सुबह पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर हजारों की संख्या में आज युवाओं के एक जनसैलाब के बीच में आने का भी मुझे अवसर मिला है। उनकी बहुत सारी मांगे थी, उन मांगों को भी मैंने आज पंचकुला के अंदर पूरा किया है। आज का दिन ये विशेष दिन है कि आज दुनिया भर में युवाओं के भविष्य पर और उनकी समस्याओं पर चर्चा हो रही है, और आज उसी कड़ी में हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये पंचकुला के निवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज युवाओं के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के भवन का शिलान्यास भी आज पंचकुला के अंदर हो रहा है। और इसके साथ साथ मुझे ये बड़ी खुशी है कि इसी के साथ साथ आज विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज खेल परिसर का भी आज शिलान्यास हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज युवा परंपरागत खेलों के साथ साथ अन्य खेलों में भी अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज में शूटिंग के प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार होंगे, जो प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बेटी मनु भाकर और बेटे सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में ही पदक जीतकर देश का नाम विश्व भर में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि पंचकुला के साथ साथ हरियाणा के अन्य क्षेत्रों और हरियाणा के साथ लगते पंजाब और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी भी इस शूटिंग रेंज में अभ्यास कर सकेंगे। पंचकुला को आज ये उन पंचकुला के हमारे युवा साथियों को इसका लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, जब मैं देखता हूं कि युवा परंपरागत खेलों के साथ साथ दूसरे खेलों के अंदर भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम कर रहा है, हमारे यहाँ पंचकुला में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज आज इसका शिलान्यास हुआ है, 14 एकड़ के अंदर 150 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित ये शूटिंग रेंज यहाँ पर बन करके तैयार होगी। हमारे इस क्षेत्र के युवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम करेंगे। मैं इसके लिए आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस कॉलेज में छात्रों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाएगा, जिससे वो उद्योगों की मांगों को पूरा कर सकेंगे और राज्य और देश के विकास में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे हमारे युवा न केवल रोजगार प्राप्त करेंगे बल्कि उद्यमी भी बनेंगे। बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षित करने के लिए प्रयासों के तहत सरकार की ओर से हरियाणा में राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की ओर से प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने और हरियाणा के युवाओं के लिए अधिक रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के लिए पिछले 10 वर्षों में
15 नए पॉलिटेक्निक और 4 नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी पॉलिटेक्निक में साल 2023-24 तक छात्रों की प्रवेश क्षमता 4,590 और 4 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश क्षमता 1110 बढ़ाई गई है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के युवा विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल कर रहे हैं और साथ ही खेल और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत ही हरियाणा के युवा दुनिया भर में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।